हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर आल पे। तो दोस्तों, मैं करता हूँ इस शिवा गांव से एक और न्यू ब्लॉग की शुरुआत। और आपको पता है, पिछले दो तीन जो ब्लॉग है शिवा गांव से ही है, और मेरे मौसी की लड़की की जो शादी है दो भाइयों की। तो गाइस, खुशी की बात यह है कि आज जो है मौसम एकदम खुल चुका है, और दो दिन की बारिश बोली गई थी तो बारिश जो है हो चुकी है। और अभी जैसे ही मैं सुबह उठा, अभी जो है लगभग 8 बजे हैं, जैसे ही उठा तो बाहर दोस्तों देखा तो एकदम धूप चमक रही थी। तो सोचा क्यों ना ब्लॉग की स्टार्टिंग जो इस धूप से की जाए। तो आपको मैं थोड़ा और भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज, आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से धूप लगी है, और हम इस सूरज को जो है काफ़ी मिस कर रहे थे। और अभी दोस्तों एकदम मौसम साफ है, और सामने मैं आपको एक बर्फ़ भी दिखाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों ऊंचे ऊंचे पहाड़, और सामने आपको देखने को बर्फ़ मिलेगी। पिछले ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। गाइज, आपने मुझे पिछले दो तीन ब्लॉग में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, और खुशी भी होती है, फिर दोस्तों न्यू ब्लॉग बनाने का मन भी करता है। और गाइज, जो बारिश जो हुई थी इसमें दोस्तों आपको पता ही है शादी में काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। एक तो सोने के लिए जगह की कमी हो जाती है, चाहे घर कितना भी बड़ा हो, और ऊपर से लोगों को खाना खिलाना काफ़ी दोस्तों दिक्कतें आ जाती है। तो गाइज, अभी जो है हम जा रहे हैं पोंटा, और पोंटा से जो है पनीर लाना है, क्योंकि आज मामा आने वाले हैं तो उनके लिए जो खत्री का जो मीट नहीं खाते उनके लिए पनीर ऑर्डर किया है, तो लेने जाना है। तो दोस्तों आज के मेरे शायद दो ब्लॉग हो सकते हैं। दोपहर के बाद शाम का जो है मेरा एक अलग ही ब्लॉग रहेगा, जिसमें कि मामा का स्वागत होगा और शहराबंदी होगी। तो आपको ब्लॉग में सिर्फ बने रहना है। तो गाइज, आप देख सकते हैं हम दोनों जा रहे हैं पोंटा, और कपिल भाई है जो कि दूल्हे के बड़े भाई। तो आपको ब्लॉग में बने रहना है। और तो गाइज, हमने गुरुद्वारे ग्राउंड में जो है गाड़ी को पार्क कर लिया है, और सामने आप देख सकते हैं गुरुद्वारा जो कि पोंटा साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा। यहाँ पर जो है भाई ने शॉपिंग करनी है, और ये हमारे पप्पू भाई। ये मेन मार्केट में दुकान है। ये सबसे छोटा साइज है। कितने ये 2 साल के बच्चे को आ जाएगा। आराम से आएगा। ये क्या रेट है? 1250। फाइनली
गाइज हम पहुंच चुके हैं शिवा में वापस, और अभी यहाँ से सामान आया है टेंट वगैरह का, तो उसको ढोते हैं। और अब कुछ सामान यहाँ से दोस्तों ले जाना है, आप देख सकते हैं बिस्तर वगैरह सारा आ चुका है। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी टेंट जो है लगा लिया है, और मौसम भी एकदम साथ दे रहा है। वैसे हल्के हल्के बादल तो हो चुके हैं, और इधर आप खेत में भी देख सकते हैं जहाँ पर मेन टेंट लगेगा। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है खेत को अच्छी तरीके से सीधा किया जा रहा है। दोस्तों पहाड़ों में जो है खेत तिरछे होते हैं, और जिसमें कि हम खाने की जो पत्तल होती है वो अच्छे से नहीं रख पाते, इसलिए जो है इस तरह से जो है पट्टियाँ बनाकर हम अच्छे से बैठ सकते हैं और पत्तल को रख सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों में जो है हर काम कितना हार्ड वर्क होता है। और इनसे मिली हमारे भाई साहब जो कि राजेश भाई है, और सभी को मेरा राम 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 राम। और इधर हमारे केर सिंह भाई, मेरा राम राम। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कितने जो है मेहनत पहाड़ों में करनी पड़ती है। और गाइज ये मेरा आज का जो है काम का जो है ब्लॉग था। इसके बाद अभी जो मामा का स्वागत होने वाला है उसकी तैयारी चली हुई है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जब शहराबंदी होगी दोनों भाइयों की, तो एक स्पेशल दोस्तों अभी से जो है ब्लॉग बनने वाला है। तो यदि दोस्तों आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।